नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी में गुंडों की भरमार है, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी से एक के बाद एक लगभग हर चुनावी राज्य से इनकी गुंडागर्दी के किस्से सामने आते जा रहे हैं। कहीं तो बीजेपी प्रत्याशी डरा धमका कर वोट मांग रहे हैं, तो कहीं अपने प्रतिद्वंदी को डरा रहे हैं, उसको पीटने की, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं जिससे वो डर जाए और खुद ही चुनाव से पीछे हट जाए। बीजेपी पर यह संगीन आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों के धमकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी और फजीहत हो ही रही है कि इसी बीच अब एक और वीडियो सामने आ गया है और ये भी बीजेपी के प्रत्याशी का है। ये महाशय खुले मंच से कांग्रेस प्रत्याशी को डरा रहे हैं, कैसे आप खुद ही सुन लीजिए। और अब तो मैंने पहले तो एक टांग तोड़ने की सोची थी, पर इतनी जनता उमड़ रही है ना, तो मेरा दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे लगता है यार दो तोड़नी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये है बीजेपी प्रत्याशियों की गुंडागर्दी और ये है इनके वोट मांगने का तरीका। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जानती है ऐसे तो उसे वोट मिलने से रहा, तो क्यों ना प्रतिद्वंदी को ही डराकर रास्ते से हटा दिया जाए तो जीत अपने आप ही हो जाएगी। यानी बीजेपी नेता और प्रत्याशी की खूब फजीहत हो रही है। ये वीडियो है राजस्थान बीजेपी के प्रत्याशी का और इनका नाम है कंवरलाल मीणा। ये महाशय कोटा संभाग के 12 की अंता विधानसभा से प्रत्याशी हैं। अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कोई भी लड़ा दो, भारतीय जनता पार्टी में इतने दम है, यानी लड़ा दो कोई भी लड़ा दो, सारा मिल गया जीता देगा। लेकिन शायद वसुंधरा जी ने देखा है कि यार ये इसका इलाज कर देगा, तो इसको बेच दो वहां। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, ढोक देने आया हूँ। आप 25 तारीख को बटन दबा के और मुझे इसका इलाज करने की जो सर्जन की डिग्री होती है वो दे दो, हाथ जोड़ने की बात। वायरल वीडियो में ये साफ तौर पर सुना जा सकता है कि कंवरलाल मीणा ने अपने भाषण में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद भाया को धमका रहे हैं और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि पक्का इसका इलाज होगा और पहले तो मैंने एक टांग तोड़ने की सोची थी, लेकिन इतनी जनता उमड़ रही है तो मेरे दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे आया कि अब दोनों ही तोड़नी पड़ेंगी। तो मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी, अब चिंता मत करना, डरना मत। बीजेपी नेता और प्रत्याशी यही नहीं रुके, पूरी ढिठाई के साथ बिना डरे खुले मंच से सीना फुलाकर ये भी कह रहे हैं कि अब तो सब लग जाओ, छत्तीसी कौम लग जाओ, और चुनाव के वक्त कोई बात हो जाती है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं भगवान के सामने कह रहा हूं सारी जिम्मेदारी मेरी है, डरना मत, हमारे कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में काम करते हुए अगर कोई गलती हो जाती है तो हम कानून की किताब नहीं देखेंगे और आप लोगों के पक्ष में एक तरफा बोलेंगे। भाजपा प्रत्याशी इतने पर ही चुप नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वैसे तो इस सीट से किसी को भी टिकट दिया जा सकता था, लेकिन मुझे इसलिए यहां से मैदान में उतारा गया है कि क्योंकि वो जानते हैं यहां प्रमोद जैन भाया नाम का बहरूपिया है जिसका इलाज केवल मैं ही कर सकता हूं। मेरे को ना चुनाव जीतने के लिए और विधायक बनने के साथ साथ एक बात और कही है कि वहां है ना उस प्रमोद जैन नाम का जो बहरूपिया है उसका इलाज करना है। मतलब जरा सोचिए कि बीजेपी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि ये कानून को भी कुछ नहीं मानते, इन्हें कानून का भी डर नहीं है। ऐसे में बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है जिन्हें खुद कानून का खौफ नहीं, वो क्या जनता को कानून के मुताबिक चलना सिखाएंगे, वो कैसे कानून का पालन करवाएंगे, बल्कि ऐसे लोग तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं ध्वस्त कर देंगे। अब बीजेपी प्रत्याशी के इस वायरल वीडियो ने जहां एक तरफ बीजेपी की खूब फजीहत करवा दी है तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद से राज्य का राजनीतिक पारा भी गर्मा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही नेताओं के बीच की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गया। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया ने कंवरलाल मीणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के नेता हार के डर से बौखलाए हुए हैं, इसलिए प्रचार के दौरान भाषण में अपनी मर्यादा तक लांघ जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बयानबाजी से पता चलता है कि उन्हें हार का डर सता रहा है। हालांकि कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग में भी कर दी है। वहीं जब बीजेपी की फजीहत हुई तो पार्टी और प्रत्याशी दोनों पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई है, वो वीडियो में कांग्रेस को पैरों से उखाड़ने की बात कह रहे हैं
और कांग्रेस का इलाज करने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से वीडियो में कही गई बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अब मीणा की सफाई के बाद लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी कितनी भी सफाई क्यों ना दे लें, लेकिन उन्होंने क्या कहा था और किसके लिए कहा था और या उनके बयान का मतलब क्या था, ये बात सबको साफ साफ समझ में आ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग मामले में क्या एक्शन लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। मेरे को ना चुनाव जीतने के लिए और विधायक बनने के साथ साथ एक बात और कही है कि वहाँ है ना उस प्रमोद जैन नाम का जो बरूपिया है उसका इलाज करना है, इसलिए भेजा है। एमएलए तो या कोई भी पत्रकार मेरे से पूछते हैं कि यार यहाँ कोई चुनाव लड़ पाओगे नहीं, थाने भेज दिया। चुनाव तो कोई भी लड़ा दो, भारतीय जनता पार्टी मतने दमे यहाँ नहीं लड़ा दो, यहाँ नहीं लड़ा दो, कोई भी लड़ा दो तो सारा मिल गया ही जिता देगा। लेकिन शायद वसुंधरा जी ने देखा है कि यार ये इसका इलाज कर देगा तो इसको भेज दो वहां। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, ढोक देने आया हूँ। आप 25 तारीख को बटन दबा के और मुझे इसका इलाज करने की जो सर्जन की डिग्री होती है वो दे दो, हाथ हाथ जोड़ने की बात। पक्का इसका इलाज होगा। और अब तो मैंने पहले तो एक टांग तोड़ने की सोची थी, पर इतनी जनता उमड़ रही है ना तो मेरा दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे लगता है यार दो तोड़नी पड़ेगी, तो ऐसे काम से नहीं चलेगा। और इस चुनाव में आपको कह रहा हूँ, सब कार्यकर्ता लग जाओ, सब लोग लग जाओ, छत्तीसी को लग जाओ, और लगते वक्त चुनाव वक्त कोई बात हो जाती है, कोई लड़ा झगड़ा होता हो जाता है तो मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी मेरी, अब चिंता मत करना, डरना मत। कांग्रेस के प्रमोद जैन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। एक मिनट, प्रमोद जैन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर कोई बचता है ना एकाध, तो एकाध जो बढ़ने जो बचे ना, जो 100% है ना दलाल है अरुण नोटा को देख लेगा, वो जो हुई बोलोगे का पक्ष में, तो आपके बीच में कोई उनकी पक्ष की बात करे ना तो यू समझ जाते कि ले आयो ये लेके आ गए, इसलिए बात कर रहा है क्योंकि आप तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, भगवान राम की जय बोल रहे हो, और बीच में अगर वो काल आ रहे हो प्रमोद जैन आ रहे हो तो 100% नोटा का बेग मिल गया उनको, वो पक्की है बात मान लीजिए। कह दीजिए भाई साहब कितना लाया, एक बार मंदिर को चढ़ा दो, एक बार मंदिर पे चढ़ा दो, फिर बात प्रमोद जैन की कर दो। अगर आपको कोई डराए दम का है तो डरने का तो जरूरत नहीं है।